Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, आज हम सीखेंगे MS Access में फॉर्म बनाना और फॉर्म बनाने के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से हम बटन बना सकते हैं MS Access में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले हम ब्लैंक डेटा बेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कोई नाम देकर इसको इंसर्ट करा लेंगे. व्यू पे जाएंगे, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे और यहाँ कोई नाम दे देता हूँ मैं, रिपोर्ट कार्ड ये नाम दे दिया मैंने, इंटर कर दिया. जैसा कि आपको पता है कि शुरू से ही मैं स्टूडेंट के मार्कशीट के ऊपर ही बेस लेकर चलता हूं, तो यहां स्टूडेंट की मार्कशीट हम इंसर्ट करेंगे. कैसे इंसर्ट करेंगे, यहां लिखेंगे रोल नंबर. रोल नंबर एक प्राइमरी की होती है, आपको पता ही है, और रोल नंबर कर दिया हमने, ठीक है, और रोल नंबर ऑटो नंबर रख दिया हमने. और यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट दे देंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट. तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट हमने दे दिया और यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट टेक्स्ट रखेंगे डेटा टाइप. यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, उन सब्जेक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं जो सब्जेक्ट ये पढ़ते हैं जो भी स्टूडेंट हैं. तो नंबर डेटा टाइप रखेंगे क्योंकि इसमें कितना नंबर पाया कंप्यूटर में वो इंसर्ट होगा. दूसरा इंग्लिश, यहाँ पे नंबर कर लेंगे. यहाँ पे रखेंगे फिजिक्स, यहाँ पे रखेंगे नंबर डेटा टाइप, यहाँ पे रखेंगे बायोलॉजी, यहाँ पर भी नंबर डेटा टाइप रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे केमिस्ट्री और यहाँ पर भी रखेंगे हम नंबर डेटा टाइप. इतना करने के बाद यहाँ टोटल मार्क्स हम निकाल लेंगे. टोटल मार्क्स, ठीक है, नंबर डेटा टाइप रखेंगे. यहाँ पर स्टूडेंट की फ़ोटो लगाएंगे हम, तो यहाँ फ़ोटो लिख लिया हमने. और अटैचमेंट डेटा टाइप रखेंगे, यहाँ पे हम अटैचमेंट रख लिया हमने. अब व्यू पे क्लिक करके डेटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा हमें. क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे और इन सबको बारी बारी से करके इंसर्ट करा देंगे और कैलकुलेट करेंगे. तो पहले रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, कंप्यूटर, यहाँ पे इंग्लिश के बाद फिजिक्स, फिर यहाँ पे बायोलॉजी, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री, फिर एट लास्ट यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल मार्क्स. और एक और चीज़ रह गई है, फ़ोटो. तो यहाँ फ़ोटो लगा देंगे, ठीक है. बस यहाँ पे टोटल मार्क्स हमें निकालने हैं तो कोलन लगाइए. कोलन का बटन एल अल्फाबेटिक बटन के ठीक बाद मिल जाएगा आपको. स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और एक एक करके सारे सब्जेक्ट के नाम यहाँ लिखते जाइए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. कंप्यूटर लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, प्लस का निशान लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए. कंप्यूटर के बाद आपको लिखना है इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश लिख दिया हमने. इंग्लिश के बाद अब आपको लिखना है यहाँ पर फिजिक्स, तो लिख देते हैं फिजिक्स. केमिस्ट्री, बायोलॉजी दे देंगे. बायोलॉजी के बाद और कौन सा सब्जेक्ट रह गया है, केमिस्ट्री भी हमने कर दिया, बायोलॉजी भी कर दिया, अब कोई सब्जेक्ट नहीं बचा. चेक कर लेते हैं वैसे एक बार, ये बायोलॉजी पहला सब्जेक्ट, केमिस्ट्री दूसरा सब्जेक्ट, फिजिक्स तीसरा सब्जेक्ट, इंग्लिश चौथा सब्जेक्ट और कंप्यूटर पांचवा सब्जेक्ट. तो ये पांचों सब्जेक्ट हमने इंसर्ट करा लिए हैं. रन पे क्लिक कर देंगे, बस हमारा काम हो चुका है. अब यहाँ पर हमको थोड़ा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे. इसको रिसाइज करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करने से ये रिसाइज हो जाता है. ऐसे जब आए डबल हैंडेड एरो बनकर तो आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए, रिसाइज हो जाएगा. यहाँ टोटल मार्क्स और यहाँ पे हमें लगाना है फ़ोटो, तो अभी नहीं, यहाँ पे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट लिखता हूँ, रमेश, कंप्यूटर में इनका नंबर है 66, इंग्लिश में मार्क्स है 44, फिजिक्स में मार्क्स है 44, बायोलॉजी में मार्क्स है 66 और केमिस्ट्री में मार्क्स है 48, ठीक है. और यहाँ टोटल मार्क्स अपने आप आ जाएगा.
सेकंड जो नाम है वो है फरहान। इनका जो मार्क्स है वो कुछ इस प्रकार का है, यहाँ 34, 44, 55, 65, सॉरी 56 कर दिया हमने, और यहाँ पे 67 कर देते हैं और यहाँ मार्क्स अपने आप आ जाएगा। नीचे आते हैं, रानी, इनका मार्क्स यहाँ पे दे देंगे, जो भी आप को मार्क्स यहाँ देना है यहाँ पे दे दीजिए। और केमिस्ट्री में दे देंगे 88, ये हो गया। चौथा जो है राजू कर लेते हैं, नाम दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 77, 34, 45, 34, 37, यहाँ मार्क्स तो आ ही जाएगा। तो ये हमारे पास चार यहाँ पे रिकॉर्ड कुछ हमने इंसर्ट करा लिया है। अब हमको कहाँ जाना है, अब हमको आना है सीधे यहाँ पे आना है। देखिए ये हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करा लिए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपको आना है फॉर्म, चूँकि हमें फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए नीचे यहाँ पे दे रहा है, यहाँ फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ स्प्लिट फॉर्म, यहाँ मल्टीपल आइटम्स। आप सीधा आ जाइए यहाँ मोर फॉर्म्स पे और आकर के फॉर्म विजार्ड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे यस कर दीजिए। क्वेरी वन ये आ रहा है, इसको कोई नाम भी हम दे सकते हैं या किसी भी नाम से सेव कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से ये सारा रिकॉर्ड एक ही बार में आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप ये नहीं चाहते हैं, एक एक करके चाहते हैं, तो यहाँ से करके आप कर सकते हैं। फिलहाल हम सारा रिकॉर्ड लेके आते हैं, ओके प्रेस करते हैं। कॉलमर, टेबुलर, डाटा शीट, जस्टिफाई, जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हैं। मैं कॉलमर ही रहने देता हूँ, कॉलम के फॉर्म में बनेगा ये। और यहाँ पे मॉड्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे मैं एमएस एक्सेस 2007 करता हूँ और इसको हम मॉडिफाई करना नहीं चाहते, फिनिश करते हैं। तो ये देखिए फॉर्म बन करके आ गया है हमारे पास। यहाँ पे इसका नाम जो दिया गया है वो ये नाम है, ठीक है। आप नाम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ लेआउट व्यू में आएंगे तो आपको यहाँ पे नाम चेंज करने का ये मिल जाएगा, यहाँ से आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोटो लगाना है आपको, तो यहाँ पर आपने अटैचमेंट लिया ही होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे बटन बना करके। बटन कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम व्यू चेंज, सॉरी, यहाँ पे हम यहाँ पे थे। तो अभी हमें क्या करेंगे कि व्यू पे जाएंगे और फॉर्म व्यू पे आ जाएंगे। यहाँ पे लेआउट व्यू है, लेआउट व्यू में आप कलर लगा सकते हो। यहाँ से जाओगे यहाँ पे जो भी कलर आपको पसंद हो यहाँ लेआउट व्यू में लगा सकते हैं आप। ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। फिलहाल हमें जाना है डिज़ाइन व्यू पे, डिज़ाइन व्यू पे आ गए हम। इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। हमें फिलहाल बटन बनाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, बटन बनाना है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बटन हम बनाएंगे। और जो ये फोटो वाला कॉलम है ना, फोटो वाले कॉलम को हमको यहीं पे अभी रहने देते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये नीचे से आप इसको यहाँ से छोटा कर लीजिए, ये यहाँ से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा कर लिया हमने, अभी हमें बटन बनाना है। तो बटन पे क्लिक किया हमने और यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे। इसको ड्रैग कर दीजिए जैसे आप ड्रैग करते हैं एक्सेल में, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है रिकॉर्ड नेविगेशन, आप देख सकते हैं इसको। हम क्या यहाँ पे लगाना चाहते हैं, कौन सा बटन बनाना चाहते हैं, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। ये पहला बटन हम बनाएंगे, या फिर आप बना सकते हैं गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड या गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्लिक करते हैं इस पर। यहाँ पर आ रहा है पिक्चर और यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट। बटन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बटन इस प्रकार का दिखेगा, और टेक्स्ट बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा, जो भी आप लिख देंगे यहाँ पे वो आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको पिक्चर ही रहने देता हूँ, देखिए ऐसा दिखेगा ये, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जिस भी नाम से आप बटन बनाना चाहते हो, फिलहाल मैं यही नाम रहने देने वाला हूँ, और फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए एक इस प्रकार का बटन इंसर्ट हो गया है। अब दूसरा बटन बनाएंगे हम, बटन पे क्लिक करेंगे और फिर दूसरा बटन बना लेते हैं, यहाँ आ गया। और दूसरा बटन हम क्या बनाएंगे, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
और इसको भी हम बटन ही रहने देते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। ये देखिए दो बटन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब तीसरा बटन बनाएंगे हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे ड्रैग कर देंगे तो ये तीसरा बटन भी हमारे सामने है। गो टू लास्ट रिकॉर्ड, ये बटन बनाएंगे हम और इसको हम कर देंगे टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो, जी ओ गो टू, टी ओ टू, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है। क्लिक कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं तो यहाँ पे गो टू लास्ट रिकॉर्ड के नाम से एक ऑप्शन आ गया है, आप देख सकते हैं। अगर इसका कलर आपको बदलना हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए और जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर लीजिए, जैसे ब्लैक कलर लगाना हो तो यहाँ से चेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बटन बनाएंगे हम। अगला बटन हम किस चीज़ का बनाएंगे, पहले बटन बना लेते हैं फिर बताता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन और भी आ रहे हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाते हैं तो प्रिंट रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है। फॉर्म ऑप्शन पे जाते हैं तो प्रिंट अ फॉर्म आ रहा है, ठीक है। और यहाँ रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाते हैं तो सेव अ रिकॉर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड को हमको सेव करने का एक बटन बनाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, ठीक है। अगर आप चेक मार्क बनाना चाहते हो तो चेक मार्क भी बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं चेक मार्क पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से चेक मार्क वाला ये बटन बन गया है, ठीक है। इसके बाद हमें फोटो लगानी है तो फोटो कैसे लगेगी इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे इमेज, जूम, तमाम ऑप्शन दिख रहे होंगे। फिलहाल हम चलते हैं फॉर्म व्यू पे और देखते हैं हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। हमारा फॉर्म ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम फोटो इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है तो हम फोटो जो भी चाहिए यहाँ से लगा सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे जा करके कोई एक फ़ोटो, मैं फॉर एग्जांपल के लिए अपनी ही फ़ोटो कोई ले लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके कोई अपनी ही फ़ोटो मैं इंसर्ट करा लेता हूँ यहाँ से। जैसे मान लीजिए यही फ़ोटो है, इसी को मैं इंसर्ट करा देता हूँ। ओके प्रेस करता हूँ तो ये फ़ोटो देखिए यहाँ आ गई है, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ से व्यू चेंज कीजिए और आप आ जाइए डिज़ाइन व्यू पे। फ़ोटो को आप लगा चुके हैं, अब हमें ये चेक करना है कि जो बटन हमने बनाए हैं वो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि बटन जो हमारे हैं वो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं। ये देखिए यहाँ पर रोल नंबर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। नाम रमेश है। ये देखिए ये कौन सा बटन है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये रोल नंबर 2 आ गया, ठीक है। रोल नंबर 3 आ गया, रोल नंबर 4 आ गया और इसके बाद न्यू रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं, रोल नंबर जो भी हो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि ऑटो नंबर हमने लिया है। और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट राम कुमार दे देता हूँ मैं, राम कुमार दे दिया हमने। अब यहाँ पे कंप्यूटर में इनका नंबर दे दिया 66, नीचे आएंगे इंग्लिश में 44 45, ऐसे करके नंबर हम देते जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में भी दे दिया, ये दे दिया हमने। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स अपने आप आ गए। फोटो हमें जो लेना है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड पे जाएंगे और यहाँ से जो भी फ़ोटो यहाँ से लगा देंगे। ये फ़ोटो हमने लगा दिया, जो भी फ़ोटो आपको लगानी है यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा बटन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये भी बटन हमने बना रखा है। अच्छा, लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो यहाँ से लास्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं आप, लास्ट रिकॉर्ड पे ही हम हैं। ये देखिए ये फर्स्ट रिकॉर्ड का बटन है, ठीक है। तो यहाँ से आप बटन बनाने का काम कर चुके हैं। अब डिज़ाइन व्यू पे वापस चलते हैं, और भी बटन अगर आपको बनाने हैं तो यहाँ बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे गो टू प्रीवियस, प्रीवियस वाले रिकॉर्ड पे जाने का एक बटन हम बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम पिक्चर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने का बटन है, एक बार फिर से इसको इंसर्ट करा के बना लेते हैं। ये हो गया हमारा, और प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने का बटन ये है, नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, पिक्चर ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया। तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने का भी बटन यहाँ क्रिएट हो चुका है। चलिए आइए एक नया बटन क्रिएट कराते हैं जो नया रिकॉर्ड बनाने का होगा। तो आइए यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए इसमें न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है ऊपर में, यहाँ सेकंड ऑप्शन पे जब मैंने क्लिक किया तो न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए आप, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेंसिल भी ले सकते हैं आप, पेंसिल से आप
टिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं गो टू न्यू इस पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ एक और बटन इंसर्ट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप बटन बना सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि हमारा लेआउट में जाकर के ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे लेआउट में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऑप्शन दूसरा लगा सकते हैं, आप जैसा लगाएंगे वैसा ये दिखेगा। ठीक है, यहाँ लाइन टाइप दिया हुआ है, लाइन जैसी आपको चाहिए वैसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, थिकनेस कितना मोटा लाइन चाहिए आपको, जो भी चाहिए यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि ये बटन जो हमने लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर ये बटन जो लगाया है, ठीक है, इन दोनों को देखेंगे कहाँ जाके फॉर्म व्यू पे आ गए। यहाँ से क्लिक किया हमने तो ये कह रहा है यू कैन नॉट गो टू स्पेसिफिक रिकॉर्ड, और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस चले जाएंगे हम, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना हो तो ये। तो आशा है कि ये बटन कैसे क्रिएट करते हैं, और भी बटन आप लगा सकते हैं इसमें जाकर के, आप और भी बटन लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ व्यू में जाकर के डिजाइन व्यू पे जाना है, डिजाइन व्यू पे ही जाकर के ये बटन लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको फिर से बटन लगाना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब एक और बटन मैं नीचे बना करके आपको दिखा देता हूँ, ये हमने बटन बनाया, अब ये कौन सा बटन होगा। ठीक है, जैसे मिसलेनियस है, प्रिंट टेबल का बटन है, या मैक्रो आपको बनाना है उसका बटन है, और रिपोर्ट आपको देखना है उसका बटन है। ठीक है, प्रीव्यू रिपोर्ट इस पर क्लिक कर दिया हमने तो यहाँ कोई प्रीव्यू है नहीं अभी देखने के लिए। ठीक है, इसको मैं बैक करता हूँ और कोई देखते हैं, फॉर्म ऑपरेशन, फॉर्म को क्लोज करने का, तो ये बटन हमने बना दिया। ठीक है, इसको टेक्स्ट रखते हैं और नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं यहाँ से। तो क्लोज फॉर्म का भी एक बटन हमने बना दिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो यहाँ से फॉर्म क्लोज हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।